नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Homes में। तो जो आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ वो जयपुर शहर की एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लोकेटेड है और बहुत सारे लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि जगतपुरा में हमारे लिए प्रॉपर्टी लेकर के आइए और एक अच्छी लोकेशन पर लेकर के आइए। तो एक अच्छी लोकेशन पर 100 गज का मकान है, 15x60 के डायमेंशन में है और साथ ही डीमार्ट के बहुत ही पास में होने वाला है। अक्षय पात्र जो मंदिर है वो यहाँ से बहुत ही पास में होने वाला है। एक बार आप देखिए फ्रंट एलिवेशन, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन है। 4 यूनिट्स हमारे पास में थी जिसमें से एक यूनिट सोल्ड हो चुकी है और आसपास का अगर कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया देखेंगे तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये कॉलोनी होने वाली है। और एक अच्छी लोकेशन पर एक अच्छी प्रॉपर्टी जो कि आप काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे वो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। देखिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा प्रॉपर्टी में दिखा पाऊँ और पूरा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि प्रॉपर्टी कहाँ पर और कैसी जो है प्रॉपर्टी होने वाली है। पहले मैं बता दूं आपको, ये 3BHK प्रॉपर्टी है जो कि फुल डुप्लेक्स होने वाली है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम है, उसके फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम होने वाले हैं। JD अप्रूव्ड है और गुड कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको मिल जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बर्म एरिया आपको दिया गया है और कुछ इस तरीके से मेन एंट्रेंस पे आपको डोर मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी मेटल के साथ में आपको दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। वेल अप टू डेट बढ़िया प्रॉपर्टी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है इसके पार्किंग का स्पेस जो कि बढ़िया आपको मिल रहा है। यहाँ पर इजीली आपकी कार वगैरह आप इजीली पार्क कर पाएंगे, बड़ी से बड़ी कार इजीली पार्क हो जाएगी। वाटर टैंक प्रोविज़न आपको दिया गया है जहाँ पर आपका पानी आप इजीली स्टोर कर पाएंगे और मकान की हाइट भी काफ़ी अच्छी दी गई है। देखिए आपने देखा होगा यूजुअली मकानों के अंदर मकान की हाइट अच्छी नहीं दी जाती है, उससे क्या होता है कि आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर मकान की हाइट भी अच्छी है जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा और एज़ पर वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी बनी हुई है। यहाँ से जैसे हम लोग 2 स्टेप स्टेयर चढ़ेंगे तो ये इसका मेन एंट्रेंस आ जाता है। देखिए इसका नक्शा भी कुछ डिफरेंट आपको मिलने वाला है और साथ ही प्रॉपर्टी बहुत प्यारी खूबसूरत सी है। यहाँ पर बाहर की साइड में वायर मेश डोर आपको दिया गया है और साथ ही साइड में विंडो का प्रोविज़न भी है, साइड में भी आपको विंडो मिल जाती है तो प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर सनलाइट आपकी होती रहेगी। 100 गज का मकान 15x60 के डायमेंशन में बना हुआ है। यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं तो ये आप देखेंगे बढ़िया सा आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपका लिविंग एरिया आप साइड कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये चेयर्स देख रहे हैं वहाँ पर आपका सोफ़ा अरेंज हो जाएगा, उसके बाद में आप किसी भी तरीके से इसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। यहाँ से अगर आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो स्टेयर्स यहाँ से आपको मिल रही है जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर साथ ही इसके रूफ की तरफ आपको लेकर के जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको LED पैनल है जहाँ पर आप बड़े से बड़ा LED इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे, बढ़िया साइज़ आपको मिल जाता है। देखिए अगर जयपुर शहर के अंदर आप कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमारे AR Homes के नाम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग सिर्फ घर बैठे घर ही नहीं कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे। कुछ इस तरीके से किचन आती है, किचन का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है जो कि L शेप में है, काउंटर टॉप ग्रेनाइट के वर्क के साथ में है। ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का आपको वर्क मिल जाता है, सामने की साइड में विंडो है जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होगा, चिमनी लगा करके दी गई है। प्राइस इसका होने वाला है प्रॉपर्टी का 80 लाख रुपये। 80 लाख रुपये में ये प्रॉपर्टी आप अपनी बना सकते हैं। और यहाँ पर इस साइड में वॉश बेसिन का स्पेस भी आपको दिया गया है जहाँ पर हैंड वॉश वगैरह ईजिली आप कर पाएंगे। यहाँ से अगर मैं आपको लेकर के चलूँ आगे की तरफ तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा सा बेडरूम आ जाता है, बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ पर आ जाता है ये इसका बाथरूम, बाथरूम का साइज़ भी आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बाथरूम का साइज़ है। वेंटिलेशन का स्पेस है, क्यूबिकल शावर आपको बना करके दिया गया है, वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है और ये है इसका बेडरूम। बेडरूम के लगभग साइज़ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो साइज़ मिल जाता है वो 14x12 के साइज़ में मिल जाता है, बड़ा स्पेशियस साइज़ है। और यहाँ पर मिल जाता है वार्डरोब, वार्डरोब का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस बड़ा साइज़ है। और यहाँ पर जो वुडन का काम करके दिया गया है वो भी बहुत ही प्यारा है। ऊपर की साइड में आपको मिल जाता है फुल सीलिंग का वर्क जहाँ पर आपको ब्लू कलर के शेड के साथ में लाइटिंग का कॉम्बिनेशन है जो कि इसकी खूबसूरती को एनहांस कर रहा है। और यहाँ पर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको LED पैनल है। देखिए ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं। SBI जैसे एक बढ़िया ब्रांड के साथ में हम लोग आपको जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, कॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानर आपके साथ में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करेगा, उसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया जहाँ से आपका जो है प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट रहेगा। आप इस एरिया को जो है किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग एरिया की तरह, स्टोर रूम की तरह, किसी भी तरीके से। ये आ जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया। तो पूरी तरीके से मैं आपको टूर करा चुका हूँ इसके ग्राउंड फ्लोर का। यहाँ से भी एक बार व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। कलर जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया वो सुपर कलर कॉम्बिनेशन है जिससे कि पूरा मकान बिल्कुल जगमगा रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। स्टेयर्स आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से स्टेयर्स हैं और ये यहाँ से होते हुए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ इसके सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम की ओर।
तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका सेकंड बेडरूम, जो कि इस तरफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और अटैच बाथरूम भी दिया गया है। यहाँ पर आ जाता है फिर से ये बढ़िया सा बाथरूम, एंट्रेंस पे ही देखिए क्यूबिकल शावर यहाँ पर भी मिल जाता है, वेंटिलेशन का स्पेस है और वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है। 14x12 के साइज़ में फिर से बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है। सामने की साइड में आपको वार्डरोब, उस तरफ आप देखेंगे बैकयार्ड का एरिया जो कि आपको एक मॉस्किटो जाल लगा करके दिया गया है। उसके बाद में आपको स्लाइडेबल विंडो है और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका LED पैनल कुछ इस तरीके से। यहाँ से अगर आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलूँ तो आप देखेंगे इसका तीसरा बेडरूम, सभी बेडरूम्स के साथ में अटैच बाथरूम आपको दिया गया है। बाथरूम भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। यहाँ पर देखिए क्यूबिकल शावर यहाँ पर भी मिल जाता है, वेंटिलेशन का स्पेस है, साथ ही आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है। बेडरूम के सभी के साइजेस स्पेशियस है, लगभग 12x14, 14x14 के साइजेस हैं। फैन लगा करके दिया गया है, AC का सेपरेट पॉइंट अवेलेबल है और यहाँ पर मिल जाती है ये वार्डरोब। सामने की तरफ देखिए यहाँ पर आपको LED पैनल है जहाँ पर आपका LED इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, बड़े से बड़ा LED इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है ये इसके बालकनी का स्पेस, यहाँ पर देख रहे हैं ये UPVC का काम आपको करके दिया गया PVC का, और ये मिल जाता है आपको बड़ी सी बालकनी का स्पेस, बढ़िया स्पेस आपको बालकनी का मिल रहा है। ऊपर की साइड में देखिए वहाँ पर भी जो आपको कलाकारी करके दी गई है वो भी बहुत प्यारी है। लाइटिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो स्टोन वर्क है ये सेल्फ डिज़ाइन के साथ में आपको दिया गया है। तो प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको दिखाई वो 15x60 के डायमेंशन में है, 100 गज के अंदर बनी हुई है, JD अप्रूव्ड है, जगतपुरा के अंदर लोकेटेड है, डीमार्ट के बहुत ही पास में होने वाली है, अपने अक्षय पात्र मंदिर के नियरेस्ट, और आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो भी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड होने वाला है। JD अप्रूव्ड ये प्रॉपर्टी होने वाली है, 80 लाख रुपए इसका होने वाला है प्राइस और साथ ही 80% ये लोनेबल प्रॉपर्टी होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को विजिट या परचेज करना तो नंबर मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के डायरेक्टली कॉल करके प्रॉपर्टी को विजिट और परचेज कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।